शहर में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय कलोड़ा है। मैं मेरे भाई के पास पेंसिल लेने गया तो एचएम मैडम ने मुझे बाहर देखा, हाथ पकड़ के एक छापट रख के मुझे ऑफिस में ले जाकर लातों से और हाथ से लकड़ी से मारा। मैं नीचे गिर गया, मेरी जान की हड्डी टूट गई। मैडम ने मारा आपको? क्या नाम था बड़ा प्रिंसिपल का? निर्मला सोनी। उन्होंने आपको मारा? क्यों मारा? मुझे नहीं पता। आप मैडम के कमरे में गए थे तो आपको मारा होगा मैडम ने? नहीं, मैं भाई के पास गया था पेंसिल लेने। तो मैं पेंसिल लेने मैं भाई के पास गए थे आप, तो मैडम ने क्यों मारा आपको? मुझे इसने पता। मैडम ने लकड़ी से मारा मुझे, नीचे गिर गया, फिर जान की हड्डी टूट गई। फिर आप गिर गए, फिर आपका पैर टूट गया, फिर आपने क्या कहा मैडम को? मैडम ने आपको क्या घर पहुँचाया था? क्या हुआ था बता। मैडम ने कहा इसको घर पे छोड़ दो। फिर घर पे छोड़ के चले गए। कौन आया घर छोड़ने? जगपाल जी सर और केशव सिंह जी, वो दोनों आपको घर छोड़ने आए थे। मैडम ने कहा था हॉस्पिटल नहीं लेके? क्या हुआ? कालोड़ा स्कूल का मामला सर्वविदित है कि दिनांक 5/4/2019 को बच्चे के साथ मारपीट हुई थी और इस मैटर में 9/4/2019 को पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस थाना गुगुंदा में रिपोर्ट दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बावजूद 25/4/2019 को जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी, बावजूद उनके आदेश के पुलिस थाना गुगुंदा द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो पीड़ित के पिता ने गुगुंदा न्यायालय के अंदर मुकदमा दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपना परिवाद पेश किया। उस आधार पर न्यायालय गुगुंदा द्वारा पुलिस थाना गुगुंदा को आदेश दिया कि वह इस मामले में प्रकरण दर्ज करें और प्रकरण दर्ज किया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रकरण दर्ज करने के बाद आज बच्चे को इस अवस्था में, जो कि पैर टूटा हुआ है, उसे न्याय की गुहार लेके आज माननीय जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर महोदय और आईजी सबक के समक्ष पेश होना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दिनांक 20 तारीख को दोपहर में एफआईआर कट गई है, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है कि आज तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं है। और इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले भी कह चुका था मैं कि पुलिस द्वारा स्पेशल रूप से ये कहा जा रहा है कि इस मैटर में हमारे द्वारा एफआईआर दी जाएगी। कोई रास्ता नहीं देखते हुए आज विपक्षी ने, डायरेक्ट प्रार्थी के पिता है, उसके विरुद्ध एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई है कि यह ब्लैकमेल करना चाहता है और ब्लैकमेल करके इनके पैसे वसूल करना चाहता है। मेरा सवाल ये है पुलिस थानाधिकारी एसएचओ गोगुंदा से कि जब एक पीड़ित बालक अपनी टूटी हुई टांग को लेकर तीन तीन बार आपके पुलिस थाने में आ रहा था, तब आप उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे, और आज जब एक अपराधी आपके सामने आया एक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो खाकी को क्या हो गया है कि आप तुरंत ही एफआईआर दर्ज कर रहे हैं? साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दैनिक भास्कर अखबार के अंदर जब रिपोर्ट ये न्यूज़ प्रकाशित हुई थी तो थानाधिकारी द्वारा जो बयान दिए गए थे वो दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किए थे कि हम मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम कार्रवाई कर पाए। मैं आपको बता दूं कि एफआईआर दर्ज होने के दूसरे दिन के बाद इनका मेडिकल कराया गया है। तो थानाधिकारी साहब, एसएचओ साहब, कौन से मेडिकल की बात कर रहे हैं? कौन सा मेडिकल इनके द्वारा, कौन सी तहरीर जारी की गई थी कि बालक की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? वास्तव में मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल आ गई, लेकिन वास्तविकता हमारी जानकारी में नहीं है। पुलिस द्वारा इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जिनके पास है हरी सिंह जी, उनको कल व्यक्तिगत जब मैंने फ़ोन करके इस केस के संदर्भ में जानकारी लेनी चाहिए कि भाई केस में क्या हो रहा है, तो वो यही कह रहे हैं मैं दो दिन की छुट्टी पर चल रहा हूँ, ये जवाब है। इसके अलावा भी आपको बता दूँ कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जब फ़ोन करके पूछा गया कि एफआईआर दर्ज होगी, उसकी प्रति चाहिए थी, तो उनके द्वारा कोई सूचना नहीं थी कि एफआईआर काट दी गई है। पुलिस का रवैया मैं आपको खुले रूप से कह रहा हूँ, पुलिस की पूरी कोशिश है इस प्रकरण में पीड़ित बच्चे को न्याय नहीं मिले। एक 11 साल का बच्चा, मैं खुले रूप से कह रहा हूँ, कोई भी अधिकारी, कोई भी बड़ा व्यक्ति इस बच्चे का एक एग्जामिन कर सकता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। और आप सब न्यूज़ चैनल आसर आने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रार्थी के पिता पे एक झूठा मुकदमा बना के दबाव डाला जा रहा है कि वह रिपोर्ट उठा ले। इस मामले में हमने आज जिला पुलिस अधीक्षक से एक ही रिपोर्ट की है कि मैं खुले रूप से कह रहा हूँ पुलिस थाना गोगुंदा से, इस पीड़ित बच्चे को न्याय नहीं मिलना है। इस मामले में जेजे एक्ट की धाराएँ हैं, आईपीसी की गंभीर धाराएँ हैं। इस मामले में पुलिस थाने गोगुंदा से पृथक किसी सीनियर अधिकारी से जाँच कराई जाए और थाना परिवर्तित किया जाए। और श्रीमान विष्णु हिसाब से भी हमारा ये निवेदन है कि इस मामले में पीड़ित बच्चे को न्याय तभी मिल पाएगा जब कुल मिलाकर ये होगा कि थाना चेंज करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ कि अगर इस घटना में पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो फिर कोई रियान इंटरनेशनल स्कूल का मामला होगा और फिर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को खो पाएंगे, उसके लिए प्रशासन उत्तरदायी होगा।